भारतीय मूल के इंग्लिश खिलाड़ी मॉन्टी पनेसर ने इस देश को माना विश्व कप 2019 का दावेदार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आईपीएल 2019 खत्म हो गया है और अब विश्व कप शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। साल 2019 विश्व कप का 10 देशों के बीच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 46 दिन में 48 मैच खेले जाएंगे, जिसका खिताबी मुकाबला 14 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इस विश्व कप के लिए इंग्लैंड की टीम को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। मौजूदा फॉर्म एवं घरेलू परिस्थितियों की वजह से इंग्लैंड प्रबल इंग्लैंड की टीम के उनके मौजूदा फॉर्म एवं घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए लोगों का मानना है कि इंग्लैंड की टीम 2019 को विश्व कप जीतेगी और ऑस्ट्रेलिया से मजबूत टीम इंग्लैंड को माना जा रहा है। इसी बीच इंग्लैंड टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज मॉन्टी पर्नेसर ने भी इंग्लैंड की टीम को ही विश्व कप 2019 का सबसे बड़ा दावेदार बताया है। मॉन्टी पर्नेसर ने इंग्लैंड की टीम को बताया सबसे बड़ा दावेदार। इसी बीच इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मॉन्टी पर्नेसर ने अपने एक बयान में कहा है कि भले ही टीम को वेस्ट इंडीज के खिलाफ हालिया सीरीज में कुछ हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन घर की परिस्थितियों में एक बहुत ही ज्यादा मजबूत टीम है। ये यहाँ जब अंतर्राष्ट्रीय टीमें आती हैं तो उन्हें हमारी परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करना पड़ता है और यहाँ उनके लिए काफी मुश्किल काम भी रहता है। यहाँ स्विंग सीम और गति वाले विकेटों पर विपक्षी टीम के लिए कुछ भी आसान नहीं होता। इंग्लैंड स्पष्ट रूप से इन परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ टीम होगी। सिर्फ दो अच्छे गेम उन्हें विश्व कप दिला सकते हैं। मॉन्टी पर्नेसर ने आगे अपने बयान में कहा कि मैं इंग्लैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने की निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं। अगर वो एक बार सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं तो उनके दो अच्छे गेम उन्हें विश्व कप में जिता सकते हैं। मॉन्टी पर्नेसर ने 2006 में अपना टेस्ट में डेब्यू किया था। वो 50 टेस्ट में 167 विकेट ले चुके हैं। उन्होंने 26 वनडे मैचों में 4.49 की इकोनॉमी रेट से 24 विकेट हासिल किए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।